गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर नंबर 5 फूड वी ईट स्टार्ट कर रखा था। इसमें हमने फूड के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ फूड पढ़ा, जिसके अकॉर्डिंग हमने वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस की डाइट के बारे में पढ़ा, और हमने टंग्स टेस्ट बर्ड्स के बारे में पढ़ा। मैंने आपसे कहा था कि जो पिक्चर है ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में बनानी है। इसके बाद हम बैलेंस्ड डाइट करते हैं। आज बैलेंस डाइट का जो चार्ट दिखा रखा है, बैलेंस डाइट सभी के लिए, जैसे एज के अकॉर्डिंग हो गई है ना, जो हार्ड वर्क करते हैं उनके लिए डाइट चार्ट अलग अलग होते हैं। तो आप देखिए एक बार, बैलेंस डाइट संतुलित आहार। बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट दैट इंक्लूड ऑल द कंपोनेंट ऑफ द फूड रिक्वायर्ड इन द राइट अमाउंट, जो उचित अनुपात में होने चाहिए सारे घटक उनको शामिल किया जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ईट हेल्दी फूड विच गिव अस ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय अवर बॉडी। हमारे शरीर को जितनी भी आवश्यकता होती है वो सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होने चाहिए, हमारे डाइट में होने चाहिए और प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए, उसी को हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। आवर फूड शुड हैव अ बैलेंस ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स विटामिन्स एंड फैट। हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है संतुलित प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स विटामिन्स एंड फैट की। वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड, हमें जंक फूड खाने को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इसको देखो एक बार आप अच्छे से। जैसे इसमें ऊपर चार्ट में हमारे क्या आते हैं, फैटी फूड आते हैं जिनको हमें बहुत कम अपनी डाइट में लेना चाहिए। जो हार्ड वर्क करते हैं उन्हीं की डाइट में थोड़ा जो फैटी फूड है वो होना चाहिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइट में सबसे ज़्यादा, सीरियल्स है, राइस वगैरह, इनमें सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। विटामिन्स और मिनरल्स कोई एनर्जी प्रोवाइड हमारे शरीर को नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं, हमारी डिजीज से प्रोटेक्शन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गुड ईटिंग हैबिट्स, खाने की अच्छी आदतें कौन कौन सी होती हैं। टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, अगर हमें मजबूत और स्वस्थ रहना है, वी शुड डेवलप सर्टेन गुड ईटिंग हैबिट्स, तो हमें खाने की कुछ अच्छी आदतें विकसित करनी होंगी। फ्यू इसेंशियल पॉइंट्स आर लिस्टेड बिलो, वी शुड फॉलो देम, कुछ नीचे बिंदु दिए गए हैं उनको हमें क्या करना है, फॉलो करना है। फर्स्ट है इसमें, वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाने से पहले और उसके बाद अच्छे से हाथों को धोना चाहिए। तो बच्चों ये तो सभी को ये आदत तो अच्छे से डाल ही लेनी चाहिए कि खाने से पहले हमेशा हाथ धोने हैं और उसके बाद भी। ठीक है, वैसे हमारे स्कूल के बच्चों में सभी में ये आदत है भी, है ना। ईट मील्स एट ए प्रॉपर टाइम, एक जो प्रॉपर टाइम होता है अपना, फिक्स टाइम होता है, उसी पे क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। अवॉइड ईटिंग बिटवीन मील्स, जो बार बार खाने को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रॉपरली बिफोर ईटिंग और कुकिंग, पकाने से पहले या खाने से पहले फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को अच्छे से साफ़ करना चाहिए। ऑलवेज़ ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड, हमेशा साफ़ सुथरा भोजन करना चाहिए। डू नॉट ईट स्टल फूड, बासी भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, च्यू द फूड प्रॉपरली, भोजन को अच्छे से चबाना चाहिए। ईट लेस फैटी फूड आइटम्स, और फैटी फूड आइटम्स को बहुत कम लेना चाहिए अपनी डाइट में। अवॉइड जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, जैसे पिज्ज़ा बर्गर या जब जितना भी बाहर का जो खाना हो गया उन सब को अवॉइड करना चाहिए, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। ड्रिंक एट लीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, 8 से 10 गिलास पानी के प्रत्येक दिन पीने चाहिए। ठीक है, और ये नाउ आई नो वाले जो दिखा रखे हैं आपको पॉइंट्स, इनको भी चलो एक बार पढ़ देते हैं। एनी सब्सटेंस दैट वी ईट टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड फूड, जो भी सब्सटेंस हम खाते हैं और हमें एनर्जी देते हैं वो उन्हें हम फूड बोलेंगे। पीपल्स लिव एट डिफरेंट एरियाज ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, विभिन्न स्थानों पर रहने वाले लोग विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। पीपल्स हु ईट फ्रूट वेजिटेबल्स सीरियल्स और पल्सेस आर कॉल्ड वेजिटेरियंस, और इनके अपोजिट जो भी डाइट लेते हैं जिसमें उनमें मीट फिश एग वगैरह होते हैं उनको नॉन वेजिटेरियन बोलेंगे। वी टेस्ट फूड बाई अवर टेस्ट बर्ड्स, हमें टेस्ट भोजन का स्वाद किससे पता चलता है, स्वाद कलिकाओं से या टेस्ट बर्ड से। बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड ऑल द कंपोनेंट ऑफ द फूड रिक्वायर्ड इन द राइट अमाउंट, उचित अनुपात में क्या होता है, बैलेंस्ड डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। फूड गिव अस एनर्जी एयर वाटर, तो ये तो सभी को पता है कि एनर्जी देंगे फूड हमें। पीपल्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेस ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट ट्रेडिशन या बोथ, तो इसमें अकॉर्डिंग टू मी
योर बुक, अकॉर्डिंग टू योर बुक इसमें आएगा बोथ, क्योंकि क्लाइमेट और ट्रेडिशन दोनों ही है, जहाँ जिस स्थान का जैसा रिवाज होता है वहाँ और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। वेजिटेरियन ईट मीट फ्रूट या बोथ? नो, मीट नहीं खाते, वेजिटेरियन फ्रूट्स खाते हैं। अभी आपने देखा नॉन वेजिटेरियंस ओनली मीट नहीं, ये तो ठीक है, इसमें ऑप्शन है तो मीट करेंगे। द स्मॉल बम्स ओवर ऑन आवर टंग टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं उनको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, आपको ये एक्सरसाइज लर्न करनी है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, और जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी बुक खरीद ले, और एक दो बच्चे हैं तो वो अपना रफ नोटबुक में इसको लिखें, लेकिन जल्दी से जल्दी बेटा बुक खरीदो। आज के लिए इतना ही, बाय।